नमस्कार, मैं हूं खुशी पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज टाइम नेशन। फिलहाल वक्त हो चला है देश और प्रदेश की कुछ बड़ी खबरों का। अमेठी में जगदीशपुर थाना क्षेत्र के गायमऊ में रहने वाली साइमा ने अपने चाचा सनाउल्ला और उनके मामा सिराज पर संपत्ति हड़पने के लिए ससुराल वालों को पुलिस के जरिए परेशान करने का गंभीर आरोप लगाया है। वही साइमा ने SP को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। अमेठी में पीपरपुर थाना क्षेत्र के खरकपुर मजरे महेशपुर में एक युवक के गायब होने पर इलाके में हड़कंप मच गया। वारदात की सूचना मिलते ही मौके पहुंची पुलिस ने गुमशुदा के परिजनों की तहरीर पर उसकी खोजबीन शुरू कर दी है। अमेठी में जिले के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र महोना में लटके ताले की वजह से वहां आ रहे मरीजों को खासा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों का कहना है कि केंद्र पर कई दिनों से लगातार ताला लटका हुआ है। आपको बता दें कि केंद्र पर तैनात डॉक्टर समय से वहां मरीजों को इलाज के लिए नहीं पहुंच पा रहे हैं। अयोध्या में पटेल समाज के लोगों ने सिविल लाइन में मौजूद एक होटल में मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने के विरोध में प्रेस वार्ता की। इस दौरान कुर्मी समाज के अध्यक्ष जयकरण वर्मा ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि मोटेरा स्टेडियम का नाम बदलने से सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपमान हुआ है। इस दौरान सभी ने काली पट्टी बांधकर अपना विरोध दर्ज किया। अयोध्या में मेडिकल स्टोर के ओनर्स का अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हो गया है। आपको बता दें कि आज पूरे दिन एक भी मेडिकल स्टोर खुला ही नहीं। इस दौरान केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के अध्यक्ष अविन आनंद ने मीडिया से मुखातिब होते हुए बताया कि भ्रष्टाचार में लिप्त ड्रग इंस्पेक्टर PC रस्तोगी की धांधली की वजह से ही 400 से अधिक मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस का रिन्यूअल नहीं हो पा रहा है। मुरादाबाद में थाना नागपानी क्षेत्र से पुलिस ने आज एक ऐसी लूट की झूठी घटना का खुलासा कर दिया है जिसमें घर की मालकिन ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही फंसाने की कोशिश की थी। आपको बता दें कि पुलिस ने प्रेमी और प्रेमिका को गिरफ्तार करके नकदी भी बरामद कर ली है। फतेहपुर में जिला अस्पताल में दो महिलाओं ने ऑपरेशन के नाम पर डॉक्टर रवि आनंद और उसके असिस्टेंट प्रमोद पर पैसे मांगने का गंभीर आरोप लगाया है। महिलाओं ने अस्पताल पहुंचे नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि हाजी रजा को दोनों पर सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए न्याय की गुहार लगाई है। फतेहपुर में जिला अस्पताल में सपा नेता हाजी रजा ने पैसे लेकर ऑपरेशन करने पर डॉक्टर रवि आनंद और अन्य कर्मियों के साथ अभद्रता की, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल भी हो रहा है। अब देखने वाली बात तो ये होगी कि प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करती है। अमरोहा में थाना गजरौला क्षेत्र से पुलिस ने 36 घंटों के अंदर ही डबल मर्डर केस के आरोप में दो आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने बताया कि शराब के उधार पैसे वापस न देने पर दोनों आरोपियों ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर आला कत्ल हथियार भी बरामद कर लिया है। हापुड़ के थाना फिलखुआ क्षेत्र में पुलिस की गैंगरेप के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई, जिसमें दोनों तरफ से कई राउंड फायरिंग भी की गई। इस दौरान एक आरोपी को गोली लग गई जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। वहीं इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। हापुड़ में थाना बाबूगंज क्षेत्र के दयानतपुर में कंकाल की हड्डी मिलने से सनसनी फैल गई है। वहीं मामले की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने हड्डी को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। बलिया में फिफना थाना क्षेत्र के देवरिया कला गांव में भीटे की जमीन पर कब्जा जमाए पट्टेदारों को सदर SDM राजेश कुमार यादव ने पुलिस बल से खदेड़ दिया है। इतना ही नहीं, उन्होंने झोपड़ियों पर बुलडोजर भी चलवा दिया और वहां से अतिक्रमण को हटवा दिया है। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।